नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम सच खबर। अभी हम पहुँचे हैं गंगापुर नहर के निकट, जो कि देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे आग लगी है। कैसे लगी है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, यहाँ का जो परिजन है उनसे विशेष जानकारी लेते हैं, बताएंगे कैसे ये घटना घटी है। देखिए, हम लोग घर पे नहीं थे जी। सुबह 6:30 बजे शाम की बात है ये, और उसके बाद है जो कोई भी घर में कोई नहीं था, न मेरा बीवी बच्चा, न माँ बाप, न हम। और उसके बाद में है ये सब यहाँ पर लोगों ने फटाखा उटाखा छोड़ा, ग्रामीणों ने भी नहीं थे, और जब नहीं थे उसके बाद में है जो जब हल्ला उल्ला हुआ तब सब लोगों ने जुटा, तब जा कर के इसमें मेरा जितना भी था घर द्वार में, जो कि बड़ बिछौना, खाने पीने का, गेहूँ चावल आटा, ये सब जो भी था, रुपया पैसा जो भी है, सब मेरा सब चीज़ का क्षति हो गया। माल मवेशी का तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी का सबका हो गया। इसमें किसी चीज़ का हम लोग का कोई अथी नहीं हुआ कि बचेगा। और अभी तक बताइए, अभी हम लोग क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे, भूखे हैं कि नहीं है। अब CO या BDO जो भी साहब है, या कर्मचारी है, या मुखिया है, या कहीं का भी जो भी है, वो अभी तक के बताइए कि जो हम लोग को एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछे, अभी तक नहीं आया है। समय हो रहा है 1:30 बज रहा है। आग कै बजे लगी है? आग लगा है 6:30 बजे में। अच्छा, 6:30 बजे भोर या शाम में? शाम में लगा है। तो शाम में लगा है जी। और अभी कितना टाइम हो रहा है लगभग? अभी लगभग आपको 1 बज रहा है, 1:05 हो अभी रहा है। तक के कोई लोग नहीं आया जाकर? कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। अच्छा, आग पे कैसे काबू पाया गया? आग पे हम लोग है कि जो 5 अभी आया था, वो एम्बुलेंस आया था। अच्छा। लेकिन उससे जो है कोई आया और उसके बाद चालू किया, लेकिन पानी उसमें नहीं दिया। 5 ब्रिगेड का गाड़ी के ही कारण आग पर काबू पाया गया। और तभी है जो कि जो अपना तब ग्रामीणों ने जुटा और सब अपना उस पर पानी उनी से छिड़काव किया, भुताया। लेकिन सामान में किसी चीज़ का भी बचत नहीं हो पाया। कौन सा जगह हुआ है ये? मुसहरी ब्लॉक गंगापुर हुआ। वार्ड नंबर 3। क्या नाम हुआ आपका? जी, अनिल ठाकुर। जी, तो देखिए कि मुसहरी ब्लॉक के गंगापुर में जो आग लगी है, ये पटाखे से आग लगी है और सारा जल चुका है। और क्या कुछ विशेष है फिर हम जानकारी लेते हैं। जी बताइए। ढोली उत्कर ब्रांच से पैसा लिए हुए थे घर बनाने के लिए। कितना लिए हुए थे? 75,000 रुपया। मुझको सारा पैसा जर गया, मैं घर नहीं बना पाए, मुझको सारा संपत्ति जर गया। और सब कुछ मतलब कि घर में कोई कोई चीज़ें नहीं बचा था? अच्छा। कोई चीज़ नहीं बच पचा हमको घर में 3 आदमी थे। अच्छा। और पटाखा से घर जर पला, हमको घर में कोई आदमी नहीं थे, हम लोग नहीं थे, हमको सासू माँ थे। इन्हीं के नाम से मीटिंग उठा हुआ है, मीटिंग उठा घर बनाने के लिए। घर में पैसा था रखा, सब जर गया। आज ये भी गहना गिट्टी कपड़ा लता ये भी था, सब जल गया। अच्छा, अभी तक के प्रशासन से लेकर के और जो भी हैं ब्लॉक स्तर के लोग अभी तक आए हैं कि नहीं? नहीं, कोई गोटा नहीं आए हैं। नहीं आए हैं? नहीं, कोई गोटा नहीं आए हैं। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम अंजलि कुमारी हुआ। अच्छा। और इनका ये कौन हुआ? ये मेरी सासू माँ है। लाने ले रहा ली रहा तो आप देख सकते हैं कि सारा चीज है कि ये बर्तन बासन है, मतलब कि जो भी खाने बनाने वाला का जो भी चीज है, सारा चीज है कि जल चुका है। सिलेंडर है शायद, ये भरा हुआ नहीं था, इसको लेकर के ब्लास्ट की कोई ऐसा पत्ती नहीं हुई है। जो खाता हो तो वो है नाम लिख रही है। देखिए, वहाँ ये 2 घर तो जरा है, मैंने 3 नंबर वार्ड में जहाँ पर जो है कि फटाका से जर गया है, और 1 घर बगल में उसी के बगल में जरा है, वो आपको शॉर्ट सर्किल से लगा है। तो अभी जो है कि हम राठी CO साहब को फ़ोन किए थे, तो कर्मचारी साहब को भेजे हैं, अभी रिपोर्ट बनेगा। शाम तक हम प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को जो सरकारी फैसिलिटी जो मिलता है, और अभी कर्मचारी जो है कि आपको जांच कर लिए हैं,
जांच करने के बाद जो है कि आपको अविलंब जो हम चाहेंगे कि आज शाम तक जो है सब लोगों को जो भी जल गया है उसको जो है कि सरकारी जो सहायता मिलता है उसका चेक जो है निर्गत जान माल के दोनों जगह पर कहीं कुछ ना जान माल के कहीं नहीं, माने बहुत सारा सामान जल गया है, कपड़ा जल गया है, पूरा कागजात जो है जला है, तमाम लोगों का बैंक का खाता उता भी सब जो है नष्ट हो गया है, बहुत जो है क्षति हुआ है जो है लोगों को। अपना परिचय क्या है? उदय चौधरी नाम हुआ, पलात पंचायत के मुखिया हुआ। तो आपको दिखाता है सच का आईना।